News 18, India. सुब्राष्टा कुछ ऐड करना चाह रही है, अनुराग भदौरिया कुछ ऐड करना चाह रहा है। गौरव होल्ड ऑन सुब्राष्टा, यू हैव योर 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। आमिश जी, मैं लगातार फोन पे नोट्स बनाती रहती हूँ, क्योंकि इतनी अनर्गल बातें इस डिबेट के दौरान कही गई हैं। अभी जैसे राजेश जी ने कहा कि ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं कि बेल नहीं मिल रही। अरे भाई, बेल नहीं मिल रही तो आप इस देश के संविधान द्वारा जो नियमित संस्थान है उसका आप मजाक बनाएंगे? 5-5 बार 7-7 बार ईडी की समन्स जा रही है और सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, इससे बड़ी संविधान की तौहीन क्या हो सकती है? और ये लोग हैं जो संविधान बचाने निकले हैं। मुझे हंसी आती है ये सोच करके, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, क्षोभ भी होता है कि जस पुत्र तस बेटा। शिबू सोरेन जी का केस आपको याद होगा आमिश जी, आप तो जी। बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, हम लोग तो बच्चे थे जिस समय आप लोग कवर कर रहे थे। शिबू सोरेन जी का याद है आपको? 40 दिन गायब थे। जी, उन्हीं के नक्शे कदम पे पुत्र जी, उसी उन्हीं के नक्शे कदम पे पुत्र चल रहे हैं। और ये विपक्ष, ऐसा विपक्ष मॉरली इसको बोलते हैं डिप्रेव्ड, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, कि ये बात भी नहीं कर रहे कि भाई जिन जो करप्शन केसेस हुए, अरविंद केजरीवाल पे ईडी का समन इसलिए नहीं जा रहा कि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, उनके ऊपर गंभीर आरोप है। लिकर घोटाला इसी दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली की जनता को एक 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 सब्जबाग दिखाया गया और उसके इतर करप्शन किया गया, शराब के चीज पे करप्शन किया गया, बच्चों के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया गया, महिलाओं के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया गया। तीसरी चीज मैं पूछती हूँ, आज अनर्गल मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए बात कर रही हूँ तो लेफ्ट वालों को पेट में दर्द इतना क्यों हो रहा है? मेरी बात भी पूरी नहीं हुई और मैं ये बिल्कुल होगा तो मेरे बोलने से क्यों दिक्कत? सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सुन लीजिए राजेश गुप्ता जी, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया और सुन लीजिए, किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई दावा नहीं ठोक रही, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग इनसिक्योर मत होइए। अरे आप क्या जनता के सवाल ओके सुभाषता, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात को 1.25 मिनट रखा। ओके अनुराग भदौरिया भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, राजेश गुप्ता भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक सेकंड राजेश गुप्ता आपके 30 सेकंड में, 30 सेकंड मैं अनुराग आपको मौका दूंगा क्योंकि राजेश गुप्ता लेट जुड़े। सौराष्ट्रा जी ने कहा मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से पता लगता है क्या है, एक पार्टी की खुलेआम बैटिंग करना बताता है कितने पॉलिटिकल है। और मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी मुझे रोकने वाली कि मैं इन सबको चैलेंज कर सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके की अपने नाम के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी पॉलिटिकल लीनिंग क्या है ये बताने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक से कोई नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए और मैं आपको सर्टिफिकेट देने भी नहीं दूंगी। क्या आप कोई संवैधानिक रूप से सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी है? बात करिए ना, नहीं है तो फिर आप नहीं बोल सकते। देखिए मेरा निवेदन है, ये तू तू मैं मैं हम फंस रहे हैं, मेरा निवेदन है, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। अनुराग भदौरिया भी बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो नेता कुछ भी बोल के चला, ये मेरा निवेदन, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपने उनका नाम गलत लिया इसलिए उन्होंने टोका। अब अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, नाम ठीक कर देता हूँ, लेकिन मुझे बोलने तो दो, मैं बोलूंगा तो सही। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे सबूत है, कौन से सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज तक निकाल के बात आए, एक झुंझुनू नहीं निकला, एक पैसा नहीं निकला, अपने सबसे खास दोस्त को जेल के अंदर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या आपको चाहिए कि हम आपके साथ में क्या कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ठीक है, समय समय कैसे आपके साथ कॉपरेट करें, संजय सिंह क्या कॉपरेट करें, और इस तरीके जी, जी, से